नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में लगातार पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार में लोगों को अब ठंड भी ज्यादा महसूस हो रही है। बात अगर बीते 24 घंटे की करें तो 24 घंटे में पारा 3 डिग्री गिर चुका है और यही वजह है कि ठंड अब तेजी से बिहार में दस्तक दे रहा है। बता दें कि 15 दिसंबर के बाद से लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगेगी। ठंड का सितम बिहार में देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है, किस तरह से बिहार में बिगड़ते हुए मौसम को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं। बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में मौसम में व्यापक बदलाव हुआ है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे में 2.4 डिग्री पारा लुढ़का है और अब ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही 15 दिसंबर के बाद 4 से 5 डिग्री तक पारा नीचे जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में आ रही बर्फीली हवा की वजह से राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान में कमी आई है। पटना के अलावे गया, भागलपुर और पूर्णिया में अधिकतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री गिरावट आई है। पटना के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, सबसे ज्यादा अधिक बक्सर में अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही लगातार बिहार में पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने ये अपडेट जारी किया है कि 15 दिसंबर से ठंड का सितम बिहार में देखने को मिलेगा। बात अगर मौसम की करें तो सुबह के वक्त भी कोहरा छाया रहता है और शाम होते ही जो ठंड है वो लोगों को महसूस होती है और यही वजह है कि अब बिहार में और भी ज़्यादा ये ठंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही 15 दिसंबर के बाद को कर ये चेतावनी बिहार में जारी की गई है, जिसमें पारे की और भी ज्यादा गिरने की बात कही गई है। ऐसे में इस बिगड़ते हुए मौसम है, जरूरत है कि सावधान रहने की और इस ठंड से खुद का बचाव करने की। तो इस मौसम में यानी कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।